थैंक यू। माननीय श्री कैलाश सोनी जी, 5 मिनट। माननीय कैलाश सोनी जी जी, 5 मिनट। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में जो हिंदुस्तान के इतिहास को गढ़ने का काम किया जा रहा है, उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश के गृहमंत्री जी को साधुवाद देना चाहते हैं। मान्यवर, इस देश में इन तीनों कानूनों को बदलने के लिए दो लक्ष्य हैं। एक तो गुलामी के समय के चिन्हों को मिटाना, और दूसरा लक्ष्य है देशकाल परिस्थिति के अनुरूप हिंदुस्तान के हर आदमी को न्याय मिल सके, शीघ्र न्याय मिल सके। आश्चर्य तो ये है कि लगातार 150 वर्षों तक ऐसे कानून जो औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा बनाए गए थे, उनको हटाने में पूर्ववर्ती सरकार, जिसका थोड़ा मोड़ा कालखंड नहीं, लगातार 58 साल, 2/3 बहुमत की हुकूमत हिंदुस्तान का हर कानून बदलने की, संविधान बदलने की जिनकी ताकत थी, और उनने ये औपनिवेशिक कानून नहीं बदला। ऐसा नहीं कि उनने कानून नहीं बदले, उनने कानून बदले। जून 1975, 25 और 26 आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के सारे संविधान के प्रावधानों को धूल धूसरित करके एक आदमी की सत्ता बनी रहे, इसके लिए इमरजेंसी इम्पोज करने का काम किया है। कोई वकील नहीं, अपील नहीं, दलील नहीं, जुडिशरी खत्म, सारा अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब समाप्त। ये कानून बदला। ऐसा नहीं मान्यवर, दूसरा और कानून बदला, इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनकी चुनाव याचिका रद्द होने के बाद इन्होंने कानूनों में रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानूनों में परिवर्तन किया और अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में सफल हो जाए इसके लिए कानून में परिवर्तन किया। इतना ही नहीं मान्यवर, आपातकाल के दौरान सारे हिंदुस्तान ने वो जुडिशरी देखी है कि अपने इस याचिका और चुनाव याचिका को सफल कराने के लिए 3-3 सुप्रीम कोर्ट के जजेज को सुपरसीड करके अपने हक में निर्णय लेने का काम किया है। ये काम किया है मान्यवर। मान्यवर, आजादी के इतिहास में यह हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि ऐसा प्रकृति प्रदत्त नेतृत्व प्राप्त हुआ है, और ये नेतृत्व कोई राजनीतिक पुण्याई से नहीं आया है, कोई राजाओं की संतान नहीं है। सारी कांग्रेस, पूरे लोकमान्य तिलक से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सबकी पुण्याई को खा करके और एक खानदान की हुकूमत चलाए रखने का काम आज भी जारी रखे। और 12 नरेंद्र मोदी जी, डेनिस किनकेड ने एक किताब लिखी है उपसभापति जी, विद्रोह का महावीर, और उनने तत्कालीन लड़ाइयों से छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई का कंपैरिजन किया है। बोनापार्ट, एडोल्फ हिटलर, जितने भी तानाशाह हैं, उनकी लड़ाई से छत्रपति शिवाजी का, और तुलनात्मक कहा है कि इतने कम साधन में ऐसा सेनापति विश्व के अंदर दूसरा नहीं है। और उस सेनापति की जो क्वालिटी गिनाई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन में कभी गलत आदमी का सिलेक्शन नहीं किया, कब किसको कहां लगाना, इस बात के लिए हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम साधुवाद देना चाहते हैं कि करेक्ट सिलेक्शन करने के लिए स्वतंत्र भारत के इतिहास में माननीय मोदी जी ने इतिहास लिखा है। ऐसे नवरत्न
बारे अमित शाह जी, लोग कहते कि ये वो खोपड़ी है कि जिसमें हिंदुस्तान की हर समस्या का हल है, और जितने भी चैलेंजिंग इशू थे उन सारे इशूज पे यदि किसी ने ताकत के साथ परिणाम दिया है तो वो है अमित शाह जी। सारे लोग आपके आपके दो मिनट में मैं कल दो मिनट नहीं, जल्दी करिए क्योंकि बाकी लोग भी हैं, बहुत पकता है। प्लीज, आपके वित्त मंत्रालय ने भी समय पे निर्णय, समय पे कानून, और लोकतंत्र की आत्मा और प्राण ये कानून है। कानून के बगैर लोकतंत्र चल नहीं सकता, और इसलिए हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी माने जाते हैं। और समय पे निर्णय लेने के कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी आज लोगों के जहन में, दिल में, दिमाग में, आत्मा में स्थापित हैं। आप आज मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से और सारे लोगों से सर्वसम्मति से इन तीनों कानूनों को पारित करने की प्रार्थना करता हूं। तिवारी जी, तीन मिनट, तीन मिनट।